मैक्सवेल ने बाजी पलट दी, अफगानिस्तान के जबड़ों से फतह छीन ली। ऑस्ट्रेलिया ने 292 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। 91 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद मैक्सवेल डट गए। टांग में तकलीफ के बावजूद तन्हा ही ग्राउंड में छक्के चौके मारे, अफगान बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। मैक्सवेल ने 201 रन बनाकर टीम को जितवाया। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई। कितने आदमी थे? सरदार एक और तुम 11, फिर भी हार गए। अकेला मैक्सवेल पूरी अफगान टीम पर भारी पड़ गया। 10 छक्के और 21 चौके लगाए, नामुमकिन को मुमकिन बनाया। कमिंस के साथ 202 रन की शानदार शराकत। मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा इंफरादी स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मैक्सवेल की सोशल मीडिया पर धूम, सार्फिन ने तारीफों के पुल बांध दिए। नवाज शरीफ का पहला मास्टर स्ट्रोक, मुत्तहदा को साथ मिला लिया। नून लीग और एमक्यूएम का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुत्तहदा वफ की लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। साद रफीक कहते हैं कौमी इत्तफाक राय के लिए मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। फारूक सत्तार बोले मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नवाज शरीफ खित्ते के सबसे सीनियर सियासतदान हैं। इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, मसाइल के हल के लिए होगा। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाएं। नून लीग और मुत्तहदा शिरो शक्कर। एमकेएम की मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की पेशकश। इंतखाबी मुहिम भी एमकेएम चलाएगी। नवाज शरीफ ने मुत्तहदा मरकज के दौरे की दावत कबूल कर ली। कहते हैं एमकेएम से इश्तराक मुल्क को कौम को मसाइल से निकालने के लिए है। पाकिस्तान के हर इलाके की तरक्की हमारी तरजीह है। डबल स्पीड से काम करना होगा। ज़राअत, सनअत और आईटी को फरोग देना है। आए बिस्मिल्ला करें, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ें। मुफाहमत के बादशाह का सियासी हरीफों को वेलकम। साबिक सदर आसिफ जरदारी का घोटकी में जलसे से खिताब। कहा मुखालफीन अपनी सियासत करें, हम अपनी करेंगे। किसी को सियासत से नहीं रोकते। तमाम जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। अब मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। जमहूरियत होगी तो अच्छा नतीजा सामने आएगा। चेयरमैन पीटीआई को हुकूमत की खातिर नहीं हटाया। उन्हें ना काम करना आता है ना करवाना आता है। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन। जुमेरात से इतवार तक स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। 9 और 10 नवंबर को 5 अजला में आम तातील। लाहौर, बुजरावाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद और ननकाना में मार्केटें हफ्ता इतवार बंद रहेंगी। जुमा हफ्ता इतवार पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर बंद। शादी हॉल, टेक अवे, होटल, फार्मेसी खुलेंगी। वजीर आला मुस्लिम नकवी कहते हैं कि फैसले का इतराक सिर्फ रवा हफ्ते के लिए है। ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी, तामीराती सनत का पहिया भी नहीं रुकेगा। एनडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। रवा हफ्ते लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद में स्मॉग में इजाफे का खदशा है। मुल्तान और भावलपुर में भी स्मॉग का खतरनाक हद तक पहुंचने का इम्कान। सरगोधा, डीजी खान, साहिवाल डिवीजन भी स्मॉग की लपेट में आ सकते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी डिवीजन में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने का अंदेशा। शहरी बैरूनी सरगर्मियों को महदूद करें, बाहर जाते वक्त मास्क पहने, एनडीएमए की हिदायत। मोहसिन स्पीड के तूफानी दौरे, सुबह देखी ना शाम, काम काम और बस काम। लाहौर में बेदिया अंडरपास 70 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार। वजीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। डिफेंस वालों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। यौमिया 1,20,000 गाड़ियां स्पीड से दौड़ेंगी। वक्त के साथ ईंधन की भी बचत होगी। मनसूबे पर 2 अरब 10 करोड़ लागत आएगी। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल हसन हैदर पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। निगरान वजीर आजम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला हुक्काम की शिरकत। नायक खुश दिल खान, नायक रफीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर की आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। मगरबी पुश्त पनाही पर इसराइल की दरिंदगी जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,300 से तजावुज कर गई। शोहदा में 4,000 बच्चे और 2,600 खवातीन शामिल। ताजा हमले में सहाफी मोहम्मद अबू हुसैर अपने खानदान के 42 अफराद के साथ शहीद हो गए। इसराइल की अलकुद्स और कमाल अदवान अस्पतालों के करीब खौफनाक बमबारी।
اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کا غزہ کی پٹی پر قبضے کا منصوبہ، یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی کا امکان مسترد کر دیا۔ غزہ پر ہر گھنٹے میں 42 بم، ہر مربع کلومیٹر پر 80 ٹن بارود کی بارش۔ اسرائیل نے صفاقیت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ کی پٹی پر 25,000 ٹن سے زیادہ بارود برسایا جا چکا۔ یورو میڈ ہیومن رائٹس کی دل دہلا دینے والی رپورٹ۔ غزہ میں ہزاروں رہائشی عمارتیں، پناہ گزین کیمپ اور 122 سکول تباہ ہو گئے۔ 56 مساجد شہید، جبکہ 192 متاثر ہو چکی۔ 50% اسپتال اور 62% طبی مراکز بند ہو گئے۔ مشکل کی گھڑی میں پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ، غزہ کے لیے امدادی سامان کی دوسری کھیپ بھجوا دی۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس کہتے ہیں کہ فلسطینی عرصہ دراز سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، خواہش ہے جلد آزاد فلسطین ریاست قائم ہو۔ 43rd پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے سالانہ مقابلے، پاک فوج نے انٹر سروسز کی چاروں کیٹیگریز کے مقابلے جیت لیے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ بہترین نشانہ بازی ایک فوجی کا تمغہ امتیاز ہے، فوجی تربیت میں نشانہ بازی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ نواز شریف کا پہلا ماسٹر سٹروک، متحدہ کو ساتھ ملا لیا۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا مل کر الیکشن لڑنے کا اعلان۔ متحدہ وفد کی لاہور میں نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ملاقات۔ سعد رفیق کہتے ہیں قومی اتفاق رائے کے لیے مل کر الیکشن لڑیں گے۔ فاروق ستار بولے مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ نواز شریف خطے کے سب سے سینئر سیاستدان ہیں، اتحاد وزارتوں کے لیے نہیں مسائل کے حل کے لیے ہوگا۔ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اسے چارہ تو کھلائیں۔ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ، پنجاب حکومت نے خزانے کا منہ کھول دیا۔ سرکاری اسپتالوں کے لیے 4 ماہ کا بجٹ جاری۔ جناح اسپتال کو 1,30,00,000,000 مل گئے۔ جنرل اسپتال 32 کروڑ، پی آئی سی 37 کروڑ، گنگا رام 30 کروڑ، سروسز اسپتال کے اکاؤنٹ میں 20 کروڑ منتقل۔ سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق کے خلاف تحقیقات، کمیٹی کی رکن اور پی سی بی کی میڈیا ڈائریکٹر عالیہ رشید مستعفی ہو گئیں۔ کہتی ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اور میڈیا ڈپارٹمنٹ میں مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ دوسری جانب کمیٹی کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، مگر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ کمیٹی نے انضمام الحق کو طلب ہی نہیں کیا۔ اور توصیف احمد قومی کرکٹ ٹیم کے عبوری چیف سلیکٹر بن گئے۔ سابق کرکٹر وجاہت اللہ واسطی کو جونیئر سلیکشن کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ توصیف احمد کی زیر قیادت سلیکشن کمیٹی کا پہلا اسائنمنٹ دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم کا انتخاب ہے۔